अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हे एवरीवन, वेलकम टू मुगल व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक, एवन फर्स्ट क्लास हैं। और आप सबका रमजान कैसा गुजर रहा है? हमारे घर के पास एक बहुत ही अच्छा प्लेइंग एरिया बना है और वो रिसेंटली ओपन हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना एक विजिट किया जाए और एक हल्का फुल्का सा व्लॉग ही बना लेते हैं। आर यू गाइज रेडी टू एंजॉय विद अस? एक्चुअली यहाँ पे सैंडल्स और शूज अलाउड नहीं थे और फ्लोर बहुत ही गर्म था और सभी के पाँव बहुत जल रहे थे, मगर एक्साइटमेंट ज़्यादा थी इसीलिए बर्दाश्त कर रही थी। ये प्लेइंग एरिया इतना तो बड़ा नहीं है और ना ही यहाँ पे राइड्स हैं, लेकिन फिर भी हमारे खेलने और एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ था। हमें ये जगह बहुत पसंद आई और अब आना जाना तो लगा ही रहेगा। एक वजह ये भी थी कि हम बहुत टाइम बाद बाहर आए थे खेलने के लिए। COVID-19 की वजह से मोस्टली पब्लिक प्लेसेस और गार्डन बंद ही थे। छोटी सी जगह में वाटरफॉल भी बना हुआ था कि स्पेशली हमें स्विमिंग पूल में भी ना जाना पड़े। आपको तो पता ही होगा बच्चों को पानी में खेलना कितना पसंद होता है, इसलिए हम भी खूब इंजॉय कर रहे थे। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी सिवाय इसके कि मास्क पहनना मस्त था। वैसे भी अब मास्क पहनने की आदत भी हो चुकी है। अचानक अरियान खेलते खेलते गिर गया
थोड़ा सा डियान ने रोना धोना किया, फिर ठीक हो गया। मम्मा ने तो कहा था कि घर चलते हैं, पर अरियान को खेलना था और एक मिनट में वो खुद ही ठीक हो गया। कोई बात नहीं, खेलते खेलते लग भी जाती है। होप आपने हमारे साथ साथ बहुत ही इंजॉय किया होगा। जो मानवी के पास बैग है वो अरियान का है, क्योंकि हमने अरियान को स्कूल से पिक किया था। रमज़ान में घर से स्पेशली निकलना बहुत मुश्किल होता है। एक तो टाइम भी खत्म हो गया था और दूसरा मम्मा को घर जाके तारी की तैयारी भी करनी। ऐसे भी हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। और फिर एकदम अरियान को पाकिस्तान याद आ गया। अगर आपको आज का हमारा हल्का फुल्का सा व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम है हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करते करते जाइएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स पढ़ने में मज़ा आता है। खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।